हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एंजॉय कुकिंग। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फी, नारियल की बर्फी। तो आइए बिना देर किए जानते हैं इसकी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कोकोनट बर्फी बनाने के लिए हमें लेना है 1.5 बाउल कोकोनट पाउडर, यह डेसिकेटेड कोकोनट है। यह मैंने 1.5 बाउल कोकोनट पाउडर ले लिया है। अब हमें लेना है 1 बाउल मिल्क पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शक्कर। यह 1/2 कप शक्कर, 1/2 बाउल शक्कर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चलेगी। अब हमें लेना है 1.5 बाउल दूध। यह मैं इसमें 1 बाउल दूध डाला है और 1/2 बाउल और डालना है। यह हम 1/2 बाउल और डाल रहे हैं। जितना दूध है उतना ही हमें डेसिकेटेड कोकोनट लेना है। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद में ही गैस पे रखेंगे। ये देखिए, यह मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई को गैस पे चढ़ा देंगे। गैस को लो टू मीडियम रखेंगे, फास्ट नहीं करना है, और इसे लगातार मिलाते रहना है ताकि गुठली ना पड़े। यह मैंने थोड़ा सा केसर गर्म पानी में भिगो के रख दिया है ताकि हम इसे बाद में डाल सके। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं ठीक होने में। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून जितनी घर की मलाई। यह मैंने 2 दिन की फ्रेश मलाई जमा करके रखी थी। मलाई डालने से हमारी बर्फी में शाइनिंग आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। ये देखिए, मलाई पूरी तरह से मिक्स हो गई है और शक्कर ने भी पानी छोड़ दिया है, इसलिए यह लूज हो गया है। एक बार यह लूज हो जाता है ना, उसके बाद में यह वापस ग्रिप पकड़ना चालू करता है। इसे 10 मिनट तक ऐसे ही हिलाते रहिए ताकि यह चिपके नहीं। यह देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी यह केसर वाला पानी ताकि इसमें भी अच्छे से केसर डिजोल्व हो जाए और इसका केसर का प्यारा सा रंग इसमें आ जाए। इसे अच्छे से मिक्स करना है, हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस इसे ठीक करना है और जमा देना है। जब यह ठीक होने लग जाएगा तब मैं आपको इसे फिर से दिखाऊंगी। जब तक हमारा मिश्रण गाढ़ा होता है तब तक मैंने एक ट्रे में यह बटर पेपर ग्रीस करके लगा दिया है। ये देखिए, ये धीरे धीरे अब गाढ़ा होने लग गया है, साइड में भी चिपकने लग गया है, तो हमें साइड में से हटाते रहना है। यह देखिए, यह गाढ़ा हो रहा है। हमें तब तक मिलाना है जब तक कि यह कढ़ाई न छोड़ दे। यह देखिए, यह अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लग गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हमने जो प्लेट ग्रीस करके रखी है उसमें निकाल देंगे। आप चाहिए तो थोड़ा सा हाथ में लेके टेस्ट करके भी देख सकते हैं ठंडा करके।
यह देखिए यह ग्रिप ले रहा है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि तैयार हो गया है क्या। अब हम इसे एक ट्रे में निकाल देंगे। ये देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल दिया इस ट्रे में। अब हम इसे थोड़ा लेवल करेंगे। यह देखिए हमारी नारियल की बर्फी जमने के लिए तैयार हो गई है। इसे कम से कम एक घंटा ठंडा होने देंगे। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा ठंडा होने के बाद में फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। ठीक है, तो ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। यह देखिए फ्रेंड्स हमारी बर्फी जम गई है। मैं आपको इसे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे प्लेट में निकाल दिया है। अब हम या तो इसे ऐसे ही रहने देंगे या ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दो या फिर सिल्वर फॉइल पेपर लगा देंगे। तो मेरे पास एक सिल्वर फॉइल पेपर है, वह मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस पे ये सिल्वर वर्क का पेपर लगा दिया है। अब मैं इसके पीसेस करूंगी, आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें कट के निशान भी लगा दिए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारी कोकोनट बर्फी नारियल की बर्फी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, एंजॉय कुकिंग, हैप्पी दिवाली।